हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूँ सपना। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन वाइटनिंग फेस मास्क जो कि 100% वर्किंग है। ये आपको इंस्टेंट निखार देता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन है, उसको ज़रूर हिट करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को कभी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक क्लीन बाउल जिसमें अपना फेस मास्क बनाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। तो मैं यहाँ ब्रू का कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ जो कि 1 रुपये का सस्ते आता है। आप कोई भी कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए मिल्क यानी दूध, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क। देन हमें चाहिए हनी, तो इसमें हम 1 टेबल स्पून हनी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो अच्छा होगा। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बूंद लेमन जूस के। सब कुछ ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी ये फेस मास्क बनके रेडी हो गया है, तो अब मैं इसे अपने फेस पे लगाऊंगी। तो अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। आप चाहें तो हैंड से भी लगा सकते हैं। मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। आप इसे आई के अराउंड लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कॉफ़ी पाउडर है, तो जो कि हमारे डार्क सर्कल को रिड्यूस करता है, तो हम इसे पूरे फेस पे लगा सकते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें मिक्स किया है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कॉफ़ी पाउडर से जो भी हमारे आँखों के अराउंड पफिनस होता है, सूजन होता है, उसको ये रिड्यूस करता है और हमारे डार्क सर्कल को भी दूर करता है। जो भी काले घेरे हैं इन सबको रिड्यूस करता है और हमारे फेस पर जो भी डेड स्किन है उसको ये क्लीन करता है, हमारे फेस को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है। तो कॉफ़ी पाउडर हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सेकेंड, मैंने इसमें मिक्स किया है मिल्क। मिल्क में मौजूद लैक्टिक एसिड हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है और इसमें मौजूद एमिनो एसिड जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। थर्ड, हमने इसमें मिक्स किया है हनी। हनी जो है हमारे फेस को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, जिससे हमारा फेस काफ़ी ग्लोइंग लगता है और ये जो है क्लोज पोर्स को भी ओपन करता है और उसमें जो जमी डस्ट है उसको भी क्लीन करने में हेल्प करता है। लास्ट में मैंने ऐड किया है लेमन जूस यानी नींबू का रस। आप सबको पता है कि नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे स्किन को टाइट एंड ब्राइट करने में हेल्प करता है। अभी मैंने इस फेस पैक को अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया। आप कोई भी फेस पैक लगाइए तो ये ध्यान रखिए कि आप अपना नेक कवर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, नहीं तो जो हमारे फेस और नेक का कलर वो मिसमैच लगता है। उसके बाद क्या करना है, लगाने के बाद हमें अपने फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज करना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद मसाज करने के बाद हमें इसे 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। देन हमें नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है। इस फेस पैक को आप वीक में 2 बार लगा सकते हैं और कॉफ़ी पाउडर बहुत अच्छा स्क्रब का भी काम करता है, तो अगर आप इससे स्क्रब करना चाहते हैं तो कॉफ़ी पाउडर में आप थोड़ा ऑली ऑयल मिक्स करके आप इसे स्क्रब की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करता है। 20 मिनट होने के बाद मैंने अपना फेस नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मुझे मेरा फेस काफ़ी ग्लोइंग लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, काफ़ी डीप क्लीन हो चुका है। तो मुझे तो ये फेस मास्क लगा के बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, तो आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन होगा, उसको ज़रूर हिट करिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को कभी मिस ना करें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।